तभी आए हैं हम लोग शॉपिंग करने और हमने कर लिए शॉपिंग। अपने लिए सामान लेने में तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब मम्मी के लिए मैं चूड़ियाँ लेने गई तो मैं बहुत कंफ्यूज हो गई कि उनके हाथ का साइज क्या है और उनको कौन सा कलर पसंद आएगा। रेडी तो मैं हो गई, लेकिन स्टिल मेरे माइंड में वही बात चल रही है। आज आप मेरे पूरे करवा चौथ के दिन का व्लॉग देखोगे दोस्तों। सब कुछ ठीक है, लेकिन मेरा जेरी बहुत बीमार है दोस्तों, इसको मुझे ऐसे देखा नहीं जा रहा था, तो मैं चली गई स्कूटी लेके कालू शाही मंदिर जो हल्द्वानी में है, और आज वैसे भी सैटरडे है तो मुझे उनके दर्शन करने को मिले। मंदिर बहुत प्यारा है, मैंने बाहर से प्रसाद लिया और अंदर चढ़ाया, अच्छे से दर्शन किए। थोड़ी देर में हमें शॉपिंग भी करनी है, तो सुबह से रात तक बहुत सारे काम है दोस्तों। अभी मैं आ गई हूँ संदीप जी के साथ साड़ी लेने के लिए, तो साड़ी सिलेक्ट करने में ना बहुत ज्यादा वो होती है कंफ्यूजन, और फाइनली मैंने साड़ी सिलेक्ट कर ली अपने लिए और मम्मी जी के लिए। वैसे मुझे साड़ियाँ पहनना बहुत पसंद है, ये तो आप सब भी जानते हो। उसके बाद मैं आ गई हूँ छन्नी और वो प्लेट लेने, मैंने कहा भैया सबसे बेस्ट वाली देना, तो ये मिली मुझे रेड कलर में हार्ट की शेप में। अभी आए हैं हम लोग शॉपिंग करने और हमने कर लिए शॉपिंग। अब मुझे बिच्छू और पायल लेने हैं। ठीक है, तुमने कहा था गिफ्ट क्या चाहिए तो वही दिला देना। अब हम आ गए हैं पायल और बिछिए लेने। मम्मी जी के लिए मुझे लेनी थी पायल, लेकिन संदीप जी ने पूछा तुम्हें क्या गिफ्ट चाहिए, तो मैंने कहा यही दिला दीजिए, क्योंकि मेरी सारी पायल शादी के टाइम की हैं जो बहुत मोटी मोटी है, तो मुझे पतली सी डेली वेयर पायल चाहिए थी। मार्केट में कोई जादूगर जादू दिखा रहा था, मुझे तो जादू देखने में बहुत डर लग रहा था, मैं चली गई वहाँ से। फिर मैं आ गई चूड़ी बिंदी सिंदूर और बाकी श्रृंगार का सामान लेने, लेकिन चूड़ियों के हाथ का साइज तो मुझे समझ ही नहीं आया। अब किस्मत के भरोसे छोड़ती हूँ, उनके हाथ में फिट आ गया तो बहुत अच्छी बात है। फिर मैं आ गई डेकोरेशन का सामान लेने और उसके बाद हम चले गए नेल आर्ट करवाने। यूजुअली नेल आर्ट करवाती नहीं हूँ, क्योंकि दोस्तों मुझे ना बहुत ज्यादा डिस्टरबेंस होती है काम करने में, मुझे चुपते हैं वो। इससे एक साल पहले शादी के टाइम ही मैंने नेल आर्ट करवाई थी, वो भी यहीं से, और अभी पहली करवा चौथ है इसीलिए यहाँ से फिर से करवा रही हूँ। और संदीप जी ने भी हेयर कट करवा लिया। नेक्स्ट मॉर्निंग 4 बजे उठ के मम्मी जी ने मेरे लिए सरगी बनाई है, तो मैं भी उठ गई हूँ। नहा धो के हमने पहले पूजा की और उसके बाद मम्मी जी ने मुझे टीका लगाया। सुबह सुबह सरगी खाते हैं करवा चौथ के व्रत में, बाकी फास्ट में नहीं खाते, सिर्फ करवा चौथ के फास्ट में खाते हैं बहुएं, तो मम्मी जी ने भी मेरे लिए बनाई है। उसके बाद दिन भर कुछ नहीं खाना होता है, पानी भी नहीं पीना होता है। अब आपके वहाँ पे क्या रूल है आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। फिलहाल देखो मम्मी जी ने बनाई है सरगी, इसमें नमक नहीं होता। थोड़ी देर में मैं रेडी हो गई और ये है मेरे करवा चौथ का पहला लुक। इसमें मैंने पहनी है रेड सूट और बाल थोड़े से कर्ल किए हैं, और देखो ये चूड़ियाँ मेरी शादी के टाइम की है जो मुझे इतनी प्यारी लगती है, सच में इनसे अलग ही लुक आता है। मैं ये सोच रही हूँ कि इनके साथ तो एक कलीरा भी था, पता नहीं वो कहाँ चला गया, शायद वो मेरे लहंगा के साथ उलझ के शादी के दिन टूट गया था। लेकिन हाँ ये तो है प्यारी प्यारी चूड़ियाँ, वो सब तो ठीक है यार। कल मैंने सोचा था मेहंदी लगाऊंगी, लेकिन मेहंदी लगाने वाली आर्टिस्ट तो अभी तक आई ही नहीं, वो आई है 12 बजे। अब देखो मुझे बहुत जल्दी उतारनी पड़ेगी इतनी सारी मेहंदी, आई होप कलर आ जाए अभी थोड़ी देर में, क्योंकि कथा पढ़नी होती है तो उसके लिए मुझे रेडी होना था। देखो मैं खुद से रेडी हुई हूँ, खुद से मीन्स की ये लहंगा मेरी संगीत का है, और पिछौड़ी नथ सब कुछ मैंने खुद से पहना है। ये जो हाथ में पहुंची है ना, ये मुझसे पहनी नहीं जाती, तो मम्मी ने पहना ही, और मेकअप वगैरह भी मैंने खुद से ही किया था घर पे, बाल भी थोड़े से स्ट्रेटनर से ही कर्ल कर लिए थे। मैं मंदिर में बैठी तो ये लहंगा इतना हैवी है ना, यहाँ पे इसके साथ बैठने में ना बहुत ज्यादा एडजस्ट करना पड़ रहा था, तो पहले भगवान जी को प्रणाम किया और अभी सबको बिठाया, मम्मी जी और संदीप जी को, और फिर मैंने कथा पढ़ना स्टार्ट किया। ये कथा करवा माता की होती है, जिसमें वो अपने पति की जान बचाने के लिए गणेश भगवान जी से प्रार्थना करती हैं और वो बच जाते हैं। कि आपने भी करवा चौथ की कथा पढ़ी है या सुनी है मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। फिर मम्मी जी और मैंने भजन गाए, वो वाला वीडियो भी आपने देखना है तो मैं जरूर अपलोड करूंगी बहुत जल्द शॉर्ट्स में। और कैमरा वाले भी अभी आ गए हैं, इतनी प्रोफेशनल फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी करने वाले हैं ना, आप देखते जाइए दोस्तों। सबसे पहले तो हमारी सिंगल फोटोशूट हुई, फिर मम्मी पापा भी रेडी हुए थे तो उनकी भी फोटोशूट करवाई हमने। अभी शाम के 7 बज रहे हैं, तो अभी इसीलिए थोड़ी देर के लिए हम लोग छत पे आए थे फोटोशूट करने के लिए, फिर हम नीचे चले जाएंगे। फोटोज कुछ इस तरीके से आया, ये वाला जो आइडिया है ये उन्होंने भैया ने दिया, तो मेरे देवर जी और एक और भैया पीछे से ऐसे वाटर फ्लो कर रहे थे, तो टीटू आ गया, वो बोलता है मेरे को भी नहाना है। मैंने कहा नहाना नहीं है टीटू, यहाँ पे हमारी फोटोशूट हो रही है। तो टीटू को हमने साइड किया और फोटोज कुछ ऐसी आई है। मुझे ये फोटोज बहुत प्यारी लगी, तो फोटोग्राफर वाले भैया बहुत अच्छे है, वो चले गए घर, क्योंकि उनकी वाइफ भी उनका वेट कर रही है ना, उन्होंने भी तो फास्ट रखा है। मम्मी ने फुल वाइब क्रिएट कर रखी करवा चौथ के सॉन्ग्स प्ले करके, तो हम दोनों भी गाने लग गए। और थोड़ी देर में मैंने सारी ज्वेलरीज पहनी, क्योंकि थोड़ी देर में चंद्रमा भगवान आते ही होंगे। मुझे ना मेरी शादी की ज्वेलरीज बहुत ज्यादा पसंद है, तो हमने चंद्रमा भगवान को अर्घ दिया, बहुत जरूरी स्टेप है, सब लोग करते हैं तभी व्रत खुल पाएगा। फिर मैंने उनको टीका चढ़ाया, उनकी आरती उतारी, और उसके बाद छन्नी से उनको देखा। फिर थोड़ी देर में छन्नी को संदीप जी को देखना होता है, मतलब कि अपने हस्बैंड को देखना होता है। फिर उनको टीका लगाया, उनकी आरती उतारी, क्योंकि पतिदेव परमेश्वर होते हैं, है ना दोस्तों। फिर मैंने उनके पैर छुए, चंद्रमा जी को प्रणाम किया और उनको छन्नी से देखा, और बहुत क्यूट लग रहे थे वो छन्नी से देखने में
फिर मैंने उनकी आरती उतारी, उसके बाद उन्होंने मुझे पानी पिलाया जो मैंने सुबह से नहीं पिया था। पहले मैंने भगवान जी को प्रणाम किया, फिर पानी पिया, फिर मैं नीचे आई किचन में। यहाँ पे वीडियोग्राफर वाले भैया रुके हुए थे हमारी वीडियो बनाने के लिए, तो उनके लिए मैंने चाय बनाई, फिर वो चले गए थे घर। और अब हम करने जा रहे हैं दोस्तों गिफ्ट्स को अनबॉक्स। तो मम्मी जी ने मुझे क्या गिफ्ट दिया और मैंने उनको क्या गिफ्ट दिया वो मैं आपको बताती हूँ। मैं मम्मी जी के लिए साड़ी लेकर आई हूँ, पायल, बिछी, सिंदूर, बिंदी, रुमाल और ड्राई फ्रूट्स। इन सब का आइडिया मुझे मेरी सगी मम्मी ने दिया था कॉल पे, तो मैं वही ले आई जो मम्मी ने कहा था। और मम्मी जी को मेरे गिफ्ट्स बहुत पसंद आए और मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि उनको ये पायल बहुत प्यारी लगी। मैंने कहा मम्मी जी पहनना इसको, ये भी डेली वेयर है, क्योंकि डेली वेयर पायल बहुत यूजुअली हम लोग पहनते हैं तो हमें अच्छी कम्फर्टेबल होनी चाहिए वो। तो मम्मी जी ने मुझे साड़ी दी और ये बहुत ही प्यारी साड़ी है, ये मेरे देवर जी ने सेलेक्ट की थी। और फाइनली मम्मी जी का जो चूड़ियों का डर था, मुझे उनके हाथ के साइज़ में फिट आएंगे कि ये नहीं, वो उनको फिट आ गई। यार ये लक हो सकता है शायद मेरा कि उनको फिट आ गई वो चूड़ियाँ। ये प्यारी सी साड़ी उन्होंने मुझे गिफ्ट किया है, इसे मैं पहन के आपको ज़रूर दिखाऊंगी। और साथ में उन्होंने बिंदी, सिंदूर और बीट दी थी, थैंक्स टू माई मदर इन लॉ। और थैंक यू सो मच आप सभी को, आपने अभी तक ये वीडियो देखा दोस्तों, थैंक यू सो मच इतना सारा प्यार देने के लिए। दोस्तों ये देखो ये पायल है, संदीप जी ने मुझे गिफ्ट की थी, तो ये वाला गिफ्ट मैं आपको दिखा देती हूँ। और ये वाला व्लॉग मैंने वॉइस ओवर में इसलिए बनाया क्योंकि मैंने करवा चौथ में लॉन्ग व्लॉग नहीं बनाया था और मुझे कोई आइडिया नहीं था कि आप सभी को मेरे लॉन्ग व्लॉग्स इतने ज़्यादा पसंद है। काफ़ी लोगों ने मुझे DM किया कि करवा चौथ का व्लॉग अपलोड कीजिए, तो मैंने शॉर्ट्स को ही ऐसे एडजस्ट करके आप लोगों के लिए वॉइस ओवर एक व्लॉग बना दिया लॉन्ग में। तो आई होप आपने ये व्लॉग इन्जॉय किया होगा दोस्तों। तो मिलते हैं अगले व्लॉग में कल सुबह 8 बजे सेम टाइम पे। बाय बाय, टेक केयर दोस्तों, लव यू ऑल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल नाउ। अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके जरूर जाना और वीडियो लाइक करना मत भूलना दोस्तों। आपका आज का दिन बहुत शुभ हो, हैव अ नाइस डे।